हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूँ आपके साथ जीनिया। तो आज हम आए एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2002 में ये कांड हुआ था, गोदारा की हम बात कर रहे हैं। तो आज इस मुद्दे पे एक फिल्म बनने जा रही है जो कि एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी, इन्होंने ये टाइटल छोड़ दिया है आपके लिए। तो आइए जानते हैं इनकी स्टारकास्ट से। तो क्या इतने साल लेट क्यों कर दिया ये फिल्म लाने के लिए? क्योंकि ऐसी सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता, और हमसे लेट हुई या नहीं पता नहीं, क्योंकि हमने 5 साल तक कंटिन्यू इस पर रिसर्च किया, पूरी फैक्ट्स को जानने की कोशिश किया, वो इमोशन को कलेक्ट करने की कोशिश किया जो सारमती एसिक्स में वो इमोशन गुम सा गया, दब सा गया, और कोई भी मीडिया या कोई भी लोग, उसको बहुत कम लोग हैं जो उनको उजागर किया है। ये फिल्म उनकी इमोशंस के साथ साथ, फैक्ट्स के साथ साथ पर्दे पे लाने की कोशिश की गई है। नहीं, इसका जवाब मैं एक अलग तरीके से दूंगा। लेट क्यों किया गया? इसलिए लेट हुआ क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हमारे डायरेक्टर एमके शिवाक्स सिर्फ 6 साल के थे। उनको बड़े होते होते इतना वक्त लगा, ये उम्र पर वो आए हैं, ये एक आई कैन से मर्द का बच्चा है शिवाक्ष, जिसने ये हिम्मत की है इस तरह से इस मुद्दे पर फिल्म बनाने की, और हम सब उसके साथ जुड़े हैं। जैसा कि ये बहुत मतलब मुद्दा कंट्रोवर्शियल है, तो काफ़ी एक एक्टर को भी डर लगता है कि क्या हमें टॉपिक पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कितना मुश्किल रहा आप दोनों के लिए? सो इस फिल्म को चूज करना, हाँ बोलना करियर के लिए, और बोलते सोसाइटी के लिए, एज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जब जिस सच्चाई से डायरेक्टर साहब ने और प्रोड्यूसर साहब ने ये फिल्म ऑफर की हमें, और जिस तरह से इस स्क्रिप्ट को लिखा गया है, कीपिंग द ट्रूथ्स इन माइंड, तो सचमुच ऐसा लगा कि नहीं नहीं, इसका तो हिस्सा, इसका तो पार्ट बनना ही पड़ेगा। कितना भी मुश्किल रहे ये दौर हमारे लिए, ये सफ़र हमारे लिए, एज एन एक्टर परफॉर्म करने के लिए भी और बाहर लोगों को फेस करने के लिए भी, जितना भी मुश्किल रहे, लेकिन हम शिवाक्ष जी और पुरोहित जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या रोल है आपका, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर का जो रोल है जो स्टेशन मास्टर थे उस वक्त, उन्हीं का रोल है, और मैं उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हूँ। जैसे कि आपने पहले पूछा था, तो जी हाँ, बहुत डर तो नहीं, पर आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में, साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग इंसिडेंट के बारे में इतना नहीं पता था। तो जब ये फिल्म आई तो आई हैड सेकेंड थाट्स, आई डिड हैव लॉट ऑफ डाउट्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक्चुअली डाउट से ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है। तो ये सोचना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं किस चीज़ से जुड़ना चाहती हूँ। पर फिर सर से बात हुई, सर ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को परसीव करके, एक होता है कि जो हुआ है फिर आप उसको कैसे दिखाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर टॉकिंग टू हिम आई रियलाइज दैट कोई देर इज़ नो मलाइननेस इन द वे दैट ही वॉन्ट्स द फिल्म टू बी आउट। इट्स प्योर, द इंटेंशन इज प्योर, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो आई थिंक वंस आई न्यू दैट, आई वॉज रियली ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और जो एक्सपीरियंस रहा है, ये किरदार है, जो कार सेवक हैं, उनकी फैमिली से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ को, और जो फिल्म है वो नानावती कमीशन पर बेस्ड है, और कार सेवकों की जो जर्नी रही है उस पर बेस्ड है। तो दैट वाज माय रोल। स्टेशन मास्टर में इनके पति का रोल करता हूँ, और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा उस आग में, उस इंसिडेंट में जल जाते हैं, और उस पर क्या वो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है, मेंटली उसको क्या इफ़ेक्ट होता है, उस चीज़ को दर्शाना था। एंड इतने अच्छे तरीके से वो लिखा गया था कैरेक्टर, समझाया गया था वो कैरेक्टर, कि बहुत कितना भी मुश्किल रहा लेकिन आसानी से उसे परफॉर्म कर सके,
और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है ऑन स्क्रीन, एंड आई एम श्योर के पब्लिक विल फील द इमोशन एंड पब्लिक विल फील द कैरेक्टर। सर, डायरेक्टर सर से ये जानना चाहेंगे कि मतलब कितना टाइम लग गया रिसर्च? पाँच साल बहुत बड़ा वक्त होता है, क्योंकि 5 साल हम जी रहे थे, डे नाइट हम काम कर रहे थे, तकरीबन 17-18 घंटे से ज़्यादा हम लोग वक्त बिता रहे थे अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ। और जब हम उन फैमिली से मिला जो कार से बच्चे जो चल गए थे उनकी फैमिली से मिला, तो सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था हमें हमारे ऊपर कि क्या ये सच है, क्या ये फिल्म बनाने वाले हैं या फिर गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो छवि है ऑडियंस के बीच वो बिल्कुल अलग तरीके से बॉलीवुड की छवि है कि मिर्च मसाला के साथ ये लोग प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। तो उनको सबसे पहले बहुत मुश्किल था उनको कॉन्फिडेंस में लाना कि हम आपकी इमोशंस को दिखाना चाहते हैं। इस रिसर्च के दौरान हम उनके साथ घंटों टाइम बिता रहे थे, लेकिन बात नहीं होती थी उनसे, उनके आंसू, उनके नम आँखें, हज़ारों सवाल कर रहे थे हमसे, हज़ारों इमोशन ऐसे आ रहे थे कि हमारे पास वो हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास बैठ जाऊँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा उस चीज़ों को बहुत दबाया गया और कभी उस पर बात नहीं की गई। जब बात की गई तो उसके रिएक्शन के बारे में, गोधरा कांड, मतलब लोगों को ये पता है गोधरा कांड में सिर्फ गुजरात दंगे के बारे में बहुत न्यूज़ है, बहुत मीडिया कवरेज है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे डिबेट हैं, लेकिन इनके बारे में कभी बात क्यों नहीं होती। तो कितना रिसर्च में मतलब आपको हेल्प मिला बाकी लोगों से, कि रिसर्च में ऑब्वियसली बहुत पॉलिटिकल भी आपको हेल्प चाहिए रहता है, तो क्या किस किस से हेल्प मिला? देखिए, मैं जैसा ही कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, शायद टाइटल से लग रहा होगा, क्योंकि ये कोर्टरूम ड्रामा है, एक फैक्ट्स के साथ है, और वो ऐसे कोर्टरूम ड्रामा जो नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड है, उनको ही पूरा फैक्ट्स को जानने के लिए 6 साल से ज़्यादा वक्त लगा, हर एक लोगों का बयान लिया गया, 50 प्लस आई विटनेस ने गवाह दिया, 4,500 से ज़्यादा लोग अपना कन्फेशन वहाँ पे दिए कि मैंने ये देखा है, उसके साथ फॉरेंसिक लैब, बहुत सारे टीम उस पर काम कर रही थी, तो वो सब लेकर एक फिल्म बनाया गया है जो बहुत तरीके से बहुत फैक्ट के साथ ये फिल्म ला रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक और फिल्म सेम ही डेट पर रिलीज़ होने वाली है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि बैड न्यूज़ आ रही है, तो उसके बारे में आप कितना थोड़ा सा डर है कहीं कि कहीं ऑडियंस डिवाइड ना हो जाए? वो फिल्म अलग है, हमारी फिल्म अलग है, दोनों के स्टोरी लाइन, दोनों की बताने की बात, तरीका सब अलग है, एंड ऑडियंस आजकल बहुत समझदार हो गई है, वो समझ जाती है कि ये फिल्म अच्छी होगी, ये फिल्म सेंसिबल होगी, ये फिल्म एंटरटेनिंग है, ये मसाला फिल्म होगी, ये फ़र्क जानती है। तो जिस ऑडियंस को इस प्रकार की फिल्म देखनी है और सच्चाई से रूबरू होना है, वो हमारी फिल्म देखने आएंगे। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें जनता को? प्लीज़ वॉच एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा ऑन 19 जुलाई, क्योंकि वो फिल्म नहीं है, एक इमोशन है, एक सच है।